एक बहन हमारे पास आई, उसको डॉक्टर ने भेजा हमारे पास, उसको नींद नहीं आती थी, बहुत इलाज कराए देश विदेश, दवाई खाती थी नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास जाओ। वो हमारे पास आई, हमको सुनाया, इसलिए मैं आई हूं आपके पास। हमने एक छोटा सा उदाहरण उनको दिया, हमने कहा आपके कमरे में गोदरेज की अलमारी है, अलमारी में लॉकर है, लॉकर में आप कीमती सामान रखते हैं, जो अलमारी में कपड़े रखते हैं वो भी लॉकर में नहीं रखते, लॉकर में कीमती सामान रखते हैं। ठीक बोल रहे हैं, है ना? इसी तरह से आपके मन में भी एक लॉकर है। मैंने कहा जरा देख कर बताइए आपके मन के लॉकर में क्या है। बोली मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने उसे बताया, जैसे कीमती सामान अलमारी के लॉकर में रखते हैं, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता या किसी बात से बहुत चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो क्या कहते हैं, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते इसकी व्यवहार को, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, मन के लॉकर में। कहाँ रखा, मन के लॉकर में। ऐसे ऐसे अब ये लॉकर भर गया, ये सारा तो कचरा है ना, जहां कचरा इकट्ठा हो जाएगा क्या होगा, बांस आएगी, जर्म्स पैदा हो जाएंगे। मैंने कहा लॉकर आपका भर गया है, बदबू हो गई है, जर्म्स पैदा हो गए हैं, अब वो जर्म्स काट रहे हैं, अब आपको नींद कैसे आएगी। तो आज आप लॉकर खाली करके जाइए। समझ में तो उसको आ गया कि मन के लॉकर में सब भरा हुआ है और अलमारी के लॉकर में कीमती सामान, लेकिन मन के लॉकर में सुख पाया, इनाम पाया, बहुत कुछ पाया, खाया पिया घूमा फिरा सब भूल जाता है, वो याद नहीं रहता, जितना दुख है वही याद रहता है, वो उस लॉकर में है। तो उसने हमसे पूछा कैसे लॉकर खाली करें कैसे। मैंने कहा मेडिटेशन रूम में चले जाइए, एक एक बात याद करिए। क्या आपके मन के लॉकर में है, याद करिए, और एक एक व्यक्ति को माफ कर दीजिए। किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, आप उसको माफ कर दीजिए। आज लॉकर खाली करके जाइए, और आपने किसी को दुख दिया उसे माफी मांग लो, बाबा के सामने बैठ जाओ और ये काम आप करो। वो बाबा के रूम में गई, आधा घंटा बैठी, कुछ पुरुषार्थ किया ही होगा। उसके बाद वो घर चली, कोर्स नहीं किया था, 7 दिन का क्लास नहीं किया था, एकदम पहला दिन आई थी वो। घर जाके उसने अपने एक दो रिश्तेदारों को फोन पर बताया। उसके बाद भोजन करने के बाद जल्दी गोली नहीं खाती थी, नींद तो आती ही नहीं थी, थोड़ा देर से खाती थी। भोजन करने के बाद लेट गई, नींद आ गई। दूसरे सवेरे उठी, पहला फोन हमको किया, दीदी आज बहुत समय के बाद नींद आई। मैंने कहा लगता है कुछ लॉकर खाली हुआ है। मैं आप सबको क्यों सुना रही हूं, आप भी अपना लॉकर चेक कर लें, देख लीजिए आपके लॉकर में क्या क्या है। आप भट्टी में आए हैं, सारा लॉकर जो भरा हुआ है उसको खाली करके जाना है यहां से। वही लॉकर है जो साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता, जो बाबा से सुख की प्राप्ति नहीं करने देता, जो आनंद का अनुभव नहीं करने देता। इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। इसलिए सभी उस लॉकर को चेक करें और जो कुछ उसमें कचरा भरा है उसको खाली करें। ज्ञान और योग के जल से
धुलाई करें और उसमें एक ही चीज भरना शुरू कर दें। क्या भरेंगे? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।